So see the first question. A student learns that magnetic field strength around a bar magnet is different at every point. Which diagram shows the correct magnetic field lines around a bar magnet? Yes, Rishit. Ma'am, C. Yes, C. This one. This is correct option. We have drawn this pattern so many times. Okay, so correct answer is option C. Next, a student places some iron filings around the magnet. They arrange themselves as shown in image. Okay, this is the pattern that the iron powder will make. There are four points here. Okay, a student labeled four different regions around the magnet. Where would the magnetic field be the strongest? At P, at Q, at R, or at C? Gursimar, at which point? At R. At R, because this is near the end, near the poles. So magnetic field strength is maximum near the poles. Okay. A student plays magnetic compass around a straight current carrying wire. The student noticed when he moved magnetic compass away from the wire, the deflection in compass decreases. How would you show magnetic field lines around the conductor? ये दो पैटर्न है, दो नीचे भी बने हुए हैं सीधा. सो क्लियरली नॉट सी एंड डी. आउट ऑफ ए एंड बी, व्हाट डू यू थिंक, व्हिच वन इज द आंसर? यस जस्मीन. मैम ए. ए और बी सेम नहीं लग रहे आपको? मैम बी ओवल लग रहे हैं और ए सर्कल लग रहे हैं. तो अब ओवल करेंगे कि सर्कल करेंगे? वी हैव टू डिसाइड दिस, है ना. सर्कल्स जो हैं ए में बिल्कुल सर्कल्स हैं, इसका मतलब वो उसी डायरेक्शन में है वो लाइंस, जिस डायरेक्शन में हमारी वायर है, करंट कैरिंग वायर है. तो जबकि हमारा थंब ऐसे होता है और ये लाइंस तो उसके परपेंडिकुलर होती है, तो जब उन्होंने ओवल ड्रॉ किया हुआ है, ओवल का मतलब दे हैव शोन दैट दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द करंट कैरिंग वायर. सो दिस इज बी. देखने में यही लगता है कि ए भी करेक्ट है, बट आंसर इज बी. एवरीवन गॉट इट नाउ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी अदरवाइज? जो बिल्कुल सर्कल में बने हुए हैं वो आपके उसी प्लेन में है, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट कैरिंग, उसका मतलब ये होगा कि लाइंस यहाँ पे और वायर भी इधर ही, जबकि वायर परपेंडिकुलर होती है और लाइंस उसके परपेंडिकुलर होती है. सो इट मस्ट बी बी. Okay, let's see the next question. The image shows magnetic lines around a straight conductor carrying current. If direction of current in the straight wire is changed, what change in magnetic field line will be observed? ये आपने देख लिया. अब अगर चेंज कर दें तो they have given four figures, आपको बताना है कौन सा आंसर करेक्ट है. A, C, B and D. चलो बताइए. Which one would be the answer? Again, कुछ लाइन सर्कुलर हैं और कुछ लाइन ओवल हैं. ओवल मीन्स परपेंडिकुलर एंड सर्कुलर मीन्स पैरेलल. मैम ए. ए देखो डाउनवर्ड है तो ठीक है कि लाइन्स जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल होंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है. तो हमें डाउट है ए और बी में, ए और डी में, ठीक है. ए और डी एक जैसे लग रही है, बट आंसर वुड बी ए बिकॉज ओवल मीन्स दीज आर परपेंडिकुलर. सो यस करेक्ट ऑप्शन इज ए. ओके नेक्स्ट इज विच डायग्राम शोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. देर इज अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. विच डायग्राम शोज मैग्नेटिक लाइंस अराउंड करंट कैरिंग सर्कुलर लूप? शांतनु. मैम बी ऑप्शन. बी ऑप्शन, यस दिस वन. बस उन्होंने कम बनाई है, हम उसमें ज्यादा सर्कल्स बनाते हैं और सेंटर में स्ट्रेट लाइन बना देते हैं. सो दिस इज ऑप्शन बी. ऑफ कोर्स इसी टाइप का पैटर्न हमने बनाया. नेक्स्ट देखिए, विच डायग्राम शोज करेक्ट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन एट पॉइंट पी एंड क्यू इन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप? Uh,
आंसर ही दिख गया आपको, चलो कोई बात नहीं, एक्सप्लेन करोगे आप। यस विच इज करेक्ट एट पी एंड क्यू पॉइंट्स, विच इज द करेक्ट डायरेक्शन? यस अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो आंसर, ओनली 3-4 स्टूडेंट्स आर रेजिंग हैंड, व्हाट अबाउट अदर्स, दे कैन ऑल्सो टेल। यस गुरसिमर, मैम सी। दिस वन सी? यस मैम। नो, इट्स ए और बी, बिकॉज यू सी द डायरेक्शन ऑफ सेल, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम दिस पॉजिटिव टू दिस नेगेटिव, सो करंट इज फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इफ यू लुक एट पी पॉइंट, करंट इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो वेन यू अप्लाई मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, द लाइन्स आर क्लॉकवाइज, और क्यू में करंट अपवर्ड जा रहा है तो वहां पे एंटी क्लॉकवाइज होगा। बट इफ यू लुक एट ए एंड बी क्लोजली, तो उसमें पी पॉइंट पे इधर से दिखाया और क्यू पी बी फिगर में इधर से दिखाया है, क्लॉकवाइज ही है, क्यू में भी एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो ए और बी में बिल्कुल सेम ही है, एंड आई डोंट सी एनी डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड ओवल्स ऑल्सो, यहाँ पे दोनों ही मुझे ओवल्स ही लग रहे हैं, तो इसलिए ए और बी में से कोई भी करेक्ट हो सकता है, बट दे हैव गिवेन द राइट आंसर बी आई सपोज। ठीक है, यस राइट आंसर इज बी, दे हैव गिवेन दिस मच आंसर, बट दिस इज ऑल्सो करेक्ट, और दोनों ही ओवल ही हैं, तो इसलिए इन्होंने दोनों के तो सेम ही बना दिए, सो लेट इट बी ए और बी वट एवर। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ सोलिनॉइड आर सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ बार मैग्नेट, विच इमेज करेक्टली शोज सोलिनॉइड एज अ बार मैग्नेट? चलिए बताइए, विच इमेज शोज करेक्ट इमेज ऑफ सोलिनॉइड एज अ बार मैग्नेट? यस हु विल टेल नाउ? ऑब्वियसली ए एंड बी वर नॉट देयर, ए एंड बी तो नहीं है, अब सी और डी में से कौन सी? यस जसलीन, मैम सी। सी, हाउ कैन यू एक्सप्लेन? मैम बिकॉज इन सोलेनाइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। हाँ, इनसाइड डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, बट एक मुझे मिस्टेक भी लग रही है यहाँ पे, दैट वी ऑलवेज सी दैट वॉट एवर एंड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ बैटरी वी से दैट दैट बिहेव लाइक साउथ पोल, बट हियर इट इज रिटन नॉर्थ पोल, अदरवाइज डायरेक्शन इज करेक्टली मार्क इन बिटवीन साउथ टू नॉर्थ, पर उस केस में हमारा सेल ऑपोजिट लगा होता है। हैव यू नोटिस कि हमारा सेल पॉजिटिव इधर होता है, उस टाइम पे नेगेटिव इस साइड पे होता है, तो वो चीज इन्होंने थोड़ी मुझे लग रहा है कि मिस्टेक की है, सेल पॉजिटिव इधर होना चाहिए, नेगेटिव उधर होना चाहिए, बट दिस इज वेरी ऑथेंटिक मटीरियल फ्रॉम सीबीएसई साइट, तो लेट इट बी करेक्ट। वेयर शुड द मैग्नेटिक कंपस बी प्लेस्ड इन अ सोलिनॉइड टू गेट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपस? कहाँ पे रखें कंपस को कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आए? ये चार केसेस आपको दिए हैं, सो दे हैव केप्ट मैग्नेटिक कंपस इन दीज फोर मैनर्स, वेयर इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वी हैव टू टेस्ट। यस अगेन एंड अगेन सेम स्टूडेंट्स, एनीबडी एल्स नाउ? और कोई, एनीवन एल्स? अगेन गुरसिमर, ऋषिद, जसलीन, ध्रुव एंड शांतनु, दे आर आंसरिंग, व्हाट अबाउट अदर्स? Why are not others raising hands? Astha, आप बताओ, Astha, इतना तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये बता सकते हो आप? Where compass needle is experiencing maximum deflection? Astha, आप बताओगे? Astha, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, यू कैन स्पीक।
ओके ऋषित आप बताओ. मैम सी यस दैट इज सी, क्योंकि इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंडिकेटेड बाय यूनिफॉर्म पैरेलल स्ट्रेट लाइन. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर देयर, सो मेनी लाइंस आर देयर इनसाइड, सो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर. यू नो इनसाइड द सोलिनॉइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. इमेज शोज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है वो पता है आपको. विच ऑप्शन एक्सप्लेन द रूल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मोटर. दिख ही गया आपको. चलो, वेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज मूव्ड विद अ फोर्स इट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड. वेन इट इज मूव्ड इनसाइड करंट इज प्रोड्यूस्ड. वेन इट इज मूव्ड रिलेटिव करंट इज प्रोड्यूस्ड. When current carrying conductor is placed, it experiences a force by magnetic field. ये तो आई थिंक सबको आना चाहिए. यस अमृतपाल. अमृतपाल क्या आंसर आएगा? डी. हाँ डी. एक्सप्लेन वाई. हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? अमृतपाल हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? यू कैन अनम्यूट अमृतपाल. हाउ कैन यू एक्सप्लेन? ये देखिए डी है पर एक्सप्लेन करेंगे आप. मोटर क्या था प्रिंसिपल का? कि व्हेन करंट इज पास थ्रू अ कॉइल व्हिच इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क और फोर्स. ठीक है तो यही है हमारा. आपका जो बी और सी है उसमें तो दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन ऑफ करंट. दैट इज द रिवर्स फिनोमिना. दैट इज ईएमआई एंड वी नो दैट ईएमआई इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, राइट? सो इन ए पार्ट ऑल्सो दे आर टॉकिंग अबाउट रिवर्स थिंग दैट व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज मूव इट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड. नो वो भी हम उसकी भी बात नहीं कर रहे. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एज वेल. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. A metal rod PQ is placed in magnetic field. Ends of the rod are connected with a battery using wires. Okay, your question is, will the rod move upward, downward, into the field, out of the field? कहाँ पे move करेगी rod? Answer भी बता दिया आपको. एक्सप्लेन कौन करेगा? चलिए हु विल एक्सप्लेन? हाउ कैन यू से इट इज मूविंग आउट ऑफ द व्यू? विच रूल फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अप्लाई? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. तो अप्लाई करिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर इज कैरिंग करंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड. सो फोर्स देखिए थंब किधर आ रहा है? आउटवर्ड, आउट ऑफ द फील्ड. ठीक है, आउटवर्ड आ रहा है. क्लियर? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वी हैव अप्लाइड हियर. यस ऋषिव. मैम इसका अपवर्ड नहीं होना चाहिए? जब अपवर्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो उस केस में तो हमारा आंसर आउटवर्ड ही होगा ना. यू थिंक थ्री डायरेक्शन आर देयर. हॉरिजॉन्टल में उन्होंने करंट दे दिया, वर्टिकल में उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड दे दिया. नाउ दिस थंब हैज टू बी परपेंडिकुलर. इट इज द थर्ड डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कवर हो गया. अब आप अपवर्ड की जगह आउट ऑफ द फील्ड या आउटवर्ड बोलो तो बेटर होगा आपका आंसर, है ना? क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. Okay students, now I am going to share one activity with you. इसी की electricity chapter की करते हैं. एक exercise, एक activity है external that I am going to share with you. Yes, this one. That will give you some extra knowledge. ठीक है, but before that let me clarify some point. मटीरियल इज ओल्ड रबर स्लिपर, थ्री पेंसिल सेल्स
टू रबर स्टैंड स्लिट पेंसिल इन हाफ. आपने एक पेंसिल लेनी, ऊपर वाला पोर्शन उसका पूरा ही आपने पील ऑफ कर देना है सो दैट द ग्रेफाइट इज विजिबल. ओके, टॉर्च बल्ब, छोटा सा एक टॉर्च बल्ब और कॉपर की छोटी छोटी दो स्ट्रिप्स. ये तो आपको घर पे ही किसी ना किसी पार्ट में मिल भी जाएगा मे बी. ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है हमारा? प्रोसीजर इज यू विल टेक एन ओल्ड रबर स्लिपर एंड कट अ स्लिट टू फिट थ्री पेंसिल सेल्स. जैसे आप रिमोट में सेल डालते हो वैसे ही सीरीज में इसमें सेल्स लगाने हैं आपने वन आफ्टर द अदर. एंड देन यू विल कनेक्ट अ स्मॉल कॉपर स्ट्रिप ऑन बोथ साइड्स टू प्रोवाइड मेटालिक कॉन्टैक्ट. क्योंकि यहाँ तो रबर है तो हमें वो मेटल कॉन्टैक्ट देना पड़ेगा. छोटी छोटी कॉपर स्ट्रिप थिन बिल्कुल ले सकते हो आप. और ये टॉर्च बल्ब है, एक कॉपर स्ट्रिप के साथ वायर अटैच करनी है, सेकेंड एंड आपने फ्री छोड़ देना है. ये इसकी जरूरत नहीं है इस पिन की, आप वायर भी ले सकते हो. दूसरी साइड पे जो आपने वायर ली है उसको आप ग्रेफाइट पेंसिल ग्रेफाइट के साथ टाई कर देना यहाँ पे, राइट. और ये पेंसिल है फिक्स की हुई है, उसका टॉप आपने पील ऑफ कर दिया. सो दिस इज द अरेंजमेंट. नाउ व्हाट यू विल डू विद दिस फ्री एंड ऑफ द वायर, you will touch different parts of graphite on the pencil. Length, accordingly length of conductor will change. And then you will see the effect on brightness of the bulb. जैसे जैसे आप different length पे touch करोगे, आप देखोगे कि bulb की brightness भी vary करेगी. So this is just your observation like this. With short graphite in series means less resistance. अगर आपकी length कम है, R is equal to rho L by A, if length is less, resistance will be less. इसका मतलब bulb will glow more. जब आपने कम length ली है ना अभी beginning में, तो कम glow करेगा bulb. As you will go on increasing the length, तो आपका more resistance circuit में आएगा and bulb की brightness जो है वो पहले से और कम होनी शुरू हो. So with longer graphite in series means more resistance. तो पहले bulb की जो भी brightness थी, जैसे जैसे आप आगे आगे slide करोगे उसकी ब्राइटनेस और भी कम होती जाएगी, बल्ब विल बिकम डिम. सो दिस विल गिव यू रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस. विद दिस एक्टिविटी वी कैन प्रूव दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. सो दिस इज अ वेरी गुड एक्टिविटी, राइट. एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम CBSE साइड. डी स्टूडेंट वो देखिए, दैट वॉज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट की है. ये फर्स्ट एक्टिविटी तो वही थी कि ड्रॉ मैग्नेटिक लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट. ये तो हमने ही क्लास में मैंने आपको वीडियो भेज दी थी, वो तो आपने कर ही ली है. सेकेंड एक्टिविटी आई हैव गिवन, हाउ कैन यू टेल टाइम विद अ मैग्नेटिक कंपास. सो टेक द इक्विपमेंट आउटडोर्स ऑन अ सनी डे, स्टैंड फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ खड़े हो जाइए. होल्ड द पेंसिल इन लाइन विद कंपास नीडल बट एट एंगल ऑफ 45 degrees. उसका जो बॉटम है उसको आप कंपास नीडल के टेल के साथ कोइंसाइड करके उसको रेज कर दोगे ऐसे. ये नीचे डायग्राम देखिए, बॉटम एंड ऑफ द पेंसिल शुड रेस्ट ऑन द ग्लास डायरेक्टली अबव साउथ ऑन द फेस ऑफ कंपास. साउथ कौन सा होता है कंपास का? जो उसकी टेल होती है. एरो नॉर्थ होता है, टेल होता है साउथ. तो वहां पे आपने उसका इरेजर वाला पार्ट रख देना है, मतलब पेंसिल का, और उसको 45 डिग्री के एंगल पे रख देना. ठीक है, द पेंसिल कास्ट अ शैडो ओवर द कंपास. पेंसिल की शैडो दिखेगी. इफ यू रिगार्ड नॉर्थ हैज 12, ऊपर जहां 12 होता है उसको नॉर्थ मान लो, ईस्ट 3 को मान लो, वेस्ट 6 को मान लो, और साउथ आप अगर 6 को मान लो, वेस्ट सॉरी 9 को मान लो. ये लिखा हुआ है यहाँ पे. If you regard north on compass as 12 o'clock, west as 9 o'clock, east as 3 o'clock and south as 6 o'clock, the shadow gives you the approximate time. तो वो जो जहां पे वो शेडो है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको रीड कर सकते, तो आपको टाइम का पता चल जाएगा. सो इन अर्लियर टाइम पीपल वेन दे डिडंट हैव द क्लॉक्स दे यूज दिस मेथड टू फाइंड द टाइम. सो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड. सन डायल भी कहते हैं इसको. ठीक है, ये भी एक सन डायल की फॉर्म ही है. सो हाउ डिड पीपल टेल टाइम बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द क्लॉक. ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड एक्टिविटी दैट इज गिविंग यू सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट.
वी कैन यूज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑल्सो टू प्रिडिक्ट टाइम, कि कितना टाइम हुआ है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, सो आई थिंक इट विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू नाउ.